नमस्कार, आप देख रहे हैं एम्पोर यू न्यूज। बलरामपुर जनपद की सबसे पुरानी तहसील उतरौला का बस स्टेशन शासन के 1,35,00,000 रुपए खर्च करने के बाद बदहाल है। बस स्टेशन पर न बस है और न ही बस स्टेशन प्रभारी। इस स्टेशन पर बस न आने से यात्रियों ने बस स्टेशन पर आना छोड़ दिया। जनपद की 150 वर्ष पुरानी तहसील पर यात्रियों की बेहतर यात्रा के लिए शासन ने पुराने बस स्टेशन का जीर्णोद्धार करके 1,35,00,000 रुपए की लागत से आधुनिक बस स्टेशन बनवाया। बस स्टेशन उतरौला से बलरामपुर, गोंडा, डुमरियागंज, लखनऊ, राठ, बहराइच, बस्ती तक को बसें आती जाती रही हैं। बस स्टेशन बनने के कुछ दिनों तक बसें आती रहीं। बस स्टेशन पर बसों के सुचारू रूप से संचालन के लिए बस स्टेशन पर स्टेशन उतरौला प्रभारी को विभाग ने तैनात कर रखा है। उसके बाद बसों ने इस स्टेशन पर आना बंद कर दिया। अधिकांश बसें उतरौला शहर के बाहर होती चली जाती हैं। बस स्टेशन की बदहाल व्यवस्था को देखते हुए यात्रियों ने इस स्टेशन पर आना बंद कर दिया। इस स्टेशन उतरौला के प्रभारी भी अक्सर ड्यूटी से गायब रहती हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज सरनु ने बताया कि बस स्टेशन उतरौला के प्रभारी के ड्यूटी से गायब रहने की शिकायत मिली, उसकी जांच कराई जा रही है। बसों के स्टेशन पर न आने की शिकायत किसी यात्री को ने नहीं की है। एम4यू न्यूज चैनल देवीपाटन मंडल प्रभारी हाजिर निसार उस्मानी की रिपोर्ट।